फिर इन्होंने स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि दो डिफरेंसेस हैं स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के। जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, सिस्टम्स दैट थिंक लाइक ह्यूमन, सिस्टम्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, इन्होंने कहा ये स्ट्रॉन्ग एआई है। जबकि सिस्टम्स दैट थिंक रैशनली एंड सिस्टम्स दैट एक्ट रैशनली इज वीक एआई। यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया कि कंप्यूटर्स वीक एआई में, कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम टू एक्ट एज इफ देवर इंटेलिजेंट, एज इफ देवर थिंकिंग। यानी कंप्यूटर्स को हम जितने रूल सेट करेंगे, जितनी प्रोग्रामिंग करेंगे, हम उसको जो चीजें करने को कहेंगे वो बस उतनी ही परफॉर्मेंस देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई में कंप्यूटर्स खुद से थिंकिंग करेंगे, खुद से डिसीजंस लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एआई है। फिर हम लोग कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास इंटेलिजेंट यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस जो है, उसके फाइव पार्ट्स हैं, मेन फाइव पार्ट्स हैं। क्या हैं? रीजनिंग, लर्निंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये जो है फाइव हमारे पास पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग को देखेंगे, यानी ये सब जो है इन्वॉल्व होके हमारे पास एआई को बिल्ड कर रही है। ये सब चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। रीजनिंग में हमारे पास क्या आ जाता है? रीजनिंग को भी हम देख चुके हैं कई दफा। इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट एनेबल्स टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ जजमेंट, मेकिंग डिसीजंस एंड प्रिडिक्शंस। तो दो तरह की रीजनिंग है, एक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। नेक्स्ट जो है लर्निंग। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एआई में। अगर मशीन्स हमारी लर्न नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो फारिग हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट इज द एक्टिविटी ऑफ गेनिंग द नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग, बींग टॉट, एक्सपीरियंसिंग समथिंग। ठीक है, मशीन जो है वो लर्न करें, ठीक है, थ्रू एनी वे। उन्होंने कहा, अब हमारे पास डिफरेंट, हमने एनिमल्स भी देखे। अब पता नहीं आप लोगों की क्लास थी दूसरी क्लास थी, उन्होंने कहा कि जो डॉग्स होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों इंटेलिजेंट होते हैं? क्योंकि वो, उनको जो हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो वो उससे लर्न करते हैं। जब वो लर्न करते हैं उसके बाद फिर हम उन डॉग्स को यूज करते हैं डिफरेंट उनके लिए, जो पुलिस में या फिर डिफरेंट फोर्सेस वगैरह में जो है हम उनको यूज करते हैं, क्योंकि हमने उनको ट्रेन करवाया और उन्होंने लर्न किया। ठीक है, तो एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी और एआई के जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें लर्निंग के बहुत सारे वेज हैं। हर कोई सेम वे के थ्रू लर्निंग नहीं करता, हर किसी का डिफरेंट यू कैन से कैपेबिलिटी होती है लर्न करने की। तो मशीन्स में भी सेम यही होता है कि उन्होंने किस तरह से लर्न करना है। तो इन्होंने आगे डिफरेंट, इन्होंने एग्जाम्पल्स दी लर्निंग की, कि कुछ ऑडिटरी लर्निंग होती है जो कि लिसनिंग और हेयरिंग से होती है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? लिसनिंग एंड हेयरिंग कर रहे हैं, तो ये ऑडिटरी लर्निंग हो गई। ठीक है, साथ में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो भी हो रही है आप लोगों की। अगर आप लोग स्लाइड्स देख रहे हैं तो आप लोग वॉच कर रहे हैं, इमिटेट कॉपी करने से भी जो है वो लर्निंग होती है। जिस तरह छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को जो है वो कॉपी करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल हो गई। एपिसोडिक लर्निंग में ये होता है कि टू लर्न बाय रिमेम्बरिंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। किसी भी चीज के थ्रू हम गुजरते हैं, कोई एक्सपीरियंस करके गुजरते हैं, तो वो एपिसोडिक लर्निंग होती है। मॉटर लर्निंग में ये होता है कि हम लोग अपनी बॉडीली मूवमेंट्स के थ्रू कुछ लर्निंग करें, वॉकिंग करें, कुछ चीजें उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं ये मोटर लर्निंग है। नेक्स्ट परसेप्चुअल है। परसेप्चुअल जो लर्निंग होती है इसमें बेसिकली ये होता है कि सेंसर्स के थ्रू, इसमें सेंसर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग कुछ चीजों को जो है वो फील करते हैं या सेंस करते हैं। ठीक है, और फिर हमें एहसास होता है कि ये, जब हम वो दोबारा कर रहे होते हैं तो हमें वो हमारा जो माइंड है वो हमें बताता है कि ये हम पहले से कर चुके हैं। ठीक है, रिलेशनल लर्निंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल, इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया कि एक दफा अगर हम सॉल्ट, अगर खाना कुकिंग करते हुए कम डालें, तो अगर हमारे माइंड को ये याद हो जाए कि हमने लास्ट टाइम जो है वो कम डाला था, तो हमें याद हो जाता है कि हमने नेक्स्ट टाइम ज्यादा डालना है, फिर हम नेक्स्ट टाइम ज्यादा डालते हैं। तो हम वो रिलेट कर रहे होते हैं आपस में, यानी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशनल लर्निंग हो गई। फिर स्पेशल है, इसमें डिफरेंट विजुअल स्टिमुलाई यानी डिफरेंट जो चीजें हमने देखी होती हैं, जैसे आप लोग ट्रैफिक में कार्स, ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं ड्राइविंग करते हुए, तो
तो आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो पता लग जाता है कि इधर ये साइन था और इधर ये साइन था रोड के ऊपर, ठीक है, और आप लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं खुद से नेक्स्ट टाइम जब उधर से जाएंगे। और जो लास्ट है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, से लर्निंग इज कैटेगराइज इनटू ऑल दीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन में, हमने एक रीजनिंग की बात की एआई बेस्ड मशीन में, सेकंड हमने लर्निंग की बात की, लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड कॉम्पोनेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मशीन जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि वो अपने डिसीजन भी खुद ले। प्रॉब्लम सॉल्विंग यही होती है ना कि कोई भी हमारे पास टास्क है तो हमने उसको परफॉर्म करना है, बेशक उसके अंदर हमारे पास जितने मर्जी हर्डल्स आ रहे हैं हमने उनको भी खुद से ही सॉल्व करना है, और फिर सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डिसीजन मेकिंग ही है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेप्शन, परसेप्शन, ठीक है। अब परसेप्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इंटरप्रेटिंग, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन। के सबसे पहले तो ये कि मशीन जो है वो नॉलेज को एक्वायर कर रही हो, ठीक है, सारी नॉलेज कलेक्ट कर रही है, किसके थ्रू करेगी? इसमें सेंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। मशीन में हमने, जैसे हम लोग ह्यूमंस जो है, हमारी परसेप्शन जो है वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो सेंस कर रहे हैं उनके थ्रू होती है। तो एआई में जो मशीन्स होंगी हमारे पास, वो किस तरह परसेप्शन उनकी होगी कि वो उनके अंदर, हम इतने सेंसर यूज करें कि उनके अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही हो सेंसर्स के थ्रू, वो सारी इंफॉर्मेशन को जो है जो भी उनके एनवायरमेंट में है वो उसको एक्वायर करें, फिर वो उस नॉलेज को या जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है उसको इंटरप्रेट भी करें, यानी उसके बारे में, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, और जो लास्ट है हमारे पास वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, इसकी भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे वो ट्यूरिंग मशीन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की थी, स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह में जो है ये इंटेलिजेंस यूज होती है, जहाँ पे मशीन में ये एबिलिटी होती है कि वो बोल सके, ठीक है, कॉम्प्रेहेंड कर सके, राइट कर सके डिफरेंट वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भी एक एआई का पार्ट है।